एक तो सोलर हो गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो आपको ये जो आप जिस कीमत पे ये आप बेच रहे जी हो सर, और जिस कीमत पे शहर में बिक रही है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। कोई लेने वाला ही नहीं, मंडी वाले फायदा उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि बीच में इतना ज्यादा बीच में कोई पैसा बना रहा है, मैंने तो ये कर रहे हो, मैंने तो आप कर रहे हो। सो हम इसके ऊपर भी हमने वो पूरा हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके लिए। जिसका थोड़ा सा खोखा है 4x4 का, वो पैसे कमा रहा है। सर ये सब्जियां अगर इम्पोर्ट ना हो ना तो हमारा जो है ना फिर ये आमदन जायद हो सकती है। नहीं, असल में जो मुझे समझ आई है ना, जो हमने देखा कि जो किसान जिस चीज को बेचता है और जो शहर में चीज बिकती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। तो वो जो अगर हम मदद करके हुकूमत किसान को हम ज्यादा पैसा दिलवा दें और शहर में कम कर दें, अगर हम वो बीच में वो जो बीच में पैसा अगर उसमें और उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं ना, हमारी कोशिश यही है। स्टोरेज फैसिलिटी उससे भी इनको मदद हाँ, और स्टोरेज भी हो जाए तो वो भी ठीक उसी सर जी मदद मिल सी ना। मिसाल का साडा खर्चा थोड़ा जी डिस्काउंट हो जाए, पेट्रोल ना खर्चा कट सी थोड़ा जी। नहीं नहीं बस अच्छा है ना, मतलब तो फिर इस तरह जी पेट्रोल ना खर्चा कम हो जासी। अगर बीज ने बारे पेट्रोल तो हमने बढ़ने नहीं दिया इस बार की कीमत है। नहीं सर, लेकिन अगर मैं दूसरी गल करना सर, अगर शराब में एक एकड़ जमीन शराब करता है महंगा पड़ता है। ट्यूबवेल के लिए सर कह रहा हूँ ना, अगर सोलर नहीं, ये सोलर नहीं, अगला रास्ता ही सोलर का। सोलर की अब सस्ती होती जा रही है, सोलर की बिजली वो बल्कि इससे अब बहुत सस्ती हो गई है। सोलर ही करेंगे, वो एक दफा लग गया उसके बाद तो आपको फिक्र गई ना। और सर बीज हो जाए, बारिश 80 ग्रे से मिलता था, 50-50 पे आया हुआ है वो, अगर उसमें सब्सिडी मिले तो वो फिर बहुत फायदा है ट्यूबवेल लगाने में। मैं सोच रहा हूँ इसमें हम वो भी लंबा कर्जा भी दे सकते हैं ताकि आराम आराम से किस्तें भी देते रहो। आजकल तो सोलर बड़ी सस्ती हो गई, बहुत सस्ती और सस्ती होती जा रही है। बीज ने बारे सारे के मिसाल तौर पे अगर 2 साल पहले बीज अगर जड़ी चीज बीज 10-5 हजार थे, आज 12 हजार थे, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है जी, और डॉलर ये है और वो है, सर जी वो मतलब मसला किसान सारा मसला बह गया। सारी चीज बीज थे और खाद मतलब सोलर सारे अगर 3-4 चीजें वैसे फर्क पड़ जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में। जो अब हम चीजें लेके आ रहे हैं ना, इस पर पूरा काम हो रहा है, क्योंकि इस पर ही हमने ये महंगाई जो आई है खाने पीने की चीजों में, हमने जब देखा तो जो किसान बेचारों के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा और बीच में शहर वाले शोर मचा रहे हैं महंगे हो गए, और किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा, वो मिड मैन को मार रहा है। मैं इसे करता हूँ, सब्जी का अगर पूछ रहे ना, ये मार्केट है साथ नजदीक शहर है। नहीं आप, नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, अब हमने ये करना है। 15/9/2096 में नर्तो पर टूल टैक्स में आए थे, मेरे पास आपकी तस्वीर है, मैं हर रोज उसका तस्वीर किधर नर्तो पर जी, ममरेश खान के पास जी। हाँ, नर्तो पर टूल टैक्स। ओके ओके जी।